इस देश में जो मनुवाद का जो पूरा व्यापार है वो टीवी अखबार के दम पर। आपके नेताओं को कौन बदनाम करता है? मायावती चोर है, मुलायम सिंह यादव चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, आज भी कहा जा रहा है। अब बाकी सब मनरेगा में मजदूरी करके अमीर है। तो हमें अपनी नस्लों के लिए लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ेंगे तो आप तो निकल गए गलती से, आपका बच्चा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जाति जाति नहीं है। अरे जाति बनाई इसलिए गई थी कि तुम लाचार बेबस और मजदूर रहो, तुम माल भी कमाओगे और बच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। अब जातिवाद शहरों में है, पावर सेंटर्स में है, मीडिया में, जुडिशियरी में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बहुजन समाज के मुद्दे पर आप दो लाइन संवैधानिक दायरे में रहकर लिखना शुरू कर दीजिए, मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ बहुत कम लोग हैं, लेकिन आप गलत फहमी में है। सोचिए, कबीर साहब अकेले लड़ रहे थे, पेरियार साहब अकेले लड़ रहे थे, ज्योतिबा फूले अकेले थे, उस समय कितनी विकट स्थिति थी। बाबा साहेब अकेले लड़ रहे थे, जगदेव प्रसाद अकेले लड़ रहे थे, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांशीराम साहब साइकिल से चल रहे थे। तो आप लोगों को लगता होगा हमारे लोग ना इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार है, उनको लगता है कि हम कम लोग हैं, बात नहीं कर रहे। पूरी लड़ाई जो है ना मानसिक मजबूती की लड़ाई है। हम लोग संख्या बल के आधार पर लड़ाई कभी ना लड़े हैं ना लड़ेंगे। ये लड़ाई मानसिक लड़ाई है और इसलिए संख्या नहीं, मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। तो अगर आप में से किसी को लग रहा है ये मुट्ठी भर लोग हैं तो आप गलतफहमी में हैं। यहाँ कम से कम पूरा भारत और पूरी दुनिया का बहुजन समाज है। पूछिए कैसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस समय इस जहां हम अभी बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में और पूरे भारत का बहुजन समाज देखेगा, क्योंकि ठीक सोशल मीडिया नहीं आने से पहले जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बहुजन समाज के पास न टीवी था ना अखबार था। बाबा साहेब ने चार अखबार निकाले लेकिन वो नहीं चल पाया क्योंकि संसाधन नहीं था। हम लोग तकनीक के युग में हैं, 21वीं सदी में हैं और सोशल मीडिया का दौर है। जो सारा कैमरा दिख रहा है ना, ये पूरा दुनिया में आपकी बातों को पहुंचाएगा। इसलिए आप ये मत समझिए कि आप कम संख्या में, ये करोड़ों लोग देखेंगे। और इस देश में जो आज सरकार चल रही है और इस देश में जो मनुवाद का जो पूरा व्यापार है वो टीवी अखबार के दम पर है। आप अपनी राय क्या देखकर बनाते हैं? टीवी अखबार। आपके नेताओं को कौन बदनाम करता है? मायावती चोर है, मुलायम सिंह यादव चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, आज भी कहा जा रहा है। अब बाकी सब मनरेगा में मजदूरी करके अमीर है। इस देश में शहरों पर किसका कब्जा है? बिजनेस पर किसका कब्जा है? खेल पर किसका कब्जा है? सिनेमा पर किसका कब्जा है? इस देश में सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसकी है? एक भी एससी एसटी ओबीसी और किसान समाज का? मैं तो कह रहा हूं जाट पटेल गुर्जर मराठा इक्का दुक्का कहीं होगा तो होगा। इस देश में सबका जो कब्जा है उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वो ईमानदारी से है। इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों को चाहे सरकारी नौकरी में हो जांच बैठा दिया जाता है, राजनीति में हो तो सीबीआई और ईडी छोड़ दी जाती है। कांग्रेस के जमाने में जाति देखकर छोड़ा जाता था, बीजेपी में जाति और पार्टी दोनों देखकर छोड़ा जा रहा है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आप लोगों को अब तक आप सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, उसी से लगता है कि ये सही है ये गलत है। तो बहुजन समाज के पास अब सोशल मीडिया है और आज बहुजन समाज सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है और भविष्य में और इंप्रूव होगा। तो संख्या को लेकर बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बात में मुद्दे पर आता हूं। देखिए बात साफ है, हमारी संख्या जो कम है इस हॉल में उसकी सबसे वजह शिक्षा। और जो फूले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन हम शूद्र, हमको बना दिया गया। तो हमारे लोग, ये लड़ाई जो है ना वो यहाँ जो हॉल में बैठे लोग हैं और हमारे जैसे लोग जो व्हाइट कॉलर लोग हैं जिन्होंने आरक्षण की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से, बाबा साहेब के, हो सकता है आप आरक्षण न लिए हो लेकिन बाबा साहेब का संविधान न होता
तो हमारे लिए तो स्कूल के दरवाजे बंद थे, बिजनेस के दरवाजे बंद थे, सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। तो हमें जो अधिकार मिला वो संविधान की वजह से मिला, और उस संविधान को बचाने की लड़ाई है। और वो संविधान कैसे बचेगा? वोट के अधिकार से। तो आज दोनों खतरे में है इस देश में। जब देश आजाद हुआ तो एससी एसटी का तो रिजर्व सीट था, लेकिन लोग उस पर नौकरों को जिताते थे। और जो किसान जातियां हैं, जिसको बाबा साहब ने ओबीसी कहा, उनका तो कोई नाम लेने वाला नहीं था। रिकॉर्ड उठा के देखिए, मंडल कमीशन लागू होने से पहले ओबीसी को कोई टिकट नहीं देता था। ओबीसी तो लिस्ट में ही नहीं था। एससी एसटी का संवैधानिक प्रावधान था तो उनको रिजर्वेशन मिलता था एमपी एमएलए में, लेकिन लोग अपने नौकरों को जिताते थे। और जब ओबीसी के जब मंडल कमीशन लागू हुआ, और जब कर्पूरी ठाकुर जो आज भारत रत्न दिया गया है, ये लगता है शौक से दिया गया है, ये मजबूरी में दिया जा रहा है। और ये मजबूरी आपके इस तरह की बैठकों का नतीजा है कि ये मनुवादी डर रहे हैं। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो नेताओं को ओबीसी की याद आ रही है, एससी एसटी की याद आ रही है, बहुजन की याद आ रही है, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और इस लड़ाई में हमारा हथियार एक ही है, एक संविधान और एक मीडिया, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। तो सोचिए खेल कैसे बदला है। इस देश में एससी एसटी के लोग आज भी रिजर्व सीट तक सीमित हैं। 60-65% ओबीसी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, और सारे के सारे सीटों पर सवर्ण समाज के लोग संसद और एमएलए भी बनते थे, और आईएएस पीसीएस तो बनते ही थे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, पढ़ते लिखने ही नहीं दिया गया था। मंडल कमीशन लागू होने के बाद देश में ओबीसी का पहला आईएएस बनता है। और शुक्रिया रामविलास पासवान जी, शुक्रिया बीपी सिंह जी, शरद यादव जो नहीं है उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने हमारे लिए काम किया उन सबका शुक्रिया करना चाहिए। हम एहसान फरामोश लोग नहीं है। 90 के दशक के बाद ओबीसी सब जगने लगा, तब इस मनुवादी मीडिया ने, जो टीवी अखबार है, उसने पता है क्या नया सबूत छोड़ा कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। ये झूठ था, लालू यादव अपराधी नहीं थे, कर्पूरी ठाकुर अपराधी नहीं थे, माननीय कांशीराम अपराधी नहीं थे, रामस्वरूप वर्मा अपराधी नहीं थे, सोलेलाल पटेल अपराधी नहीं थे, करुणानिधि अपराधी नहीं थे। जब दलित और पिछड़ा आदिवासी आने लगा राजनीति में, तो इन झूठे मरकारों ने खबर चलाई कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जबकि राजनीति में बहुजन आ रहे थे और राजनीति का पैसाकरण हुआ। आज बीजेपी, कांग्रेस या सवर्णों की जितनी पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, ये पैसे वाले की पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी, वोट वाली पार्टी, तो सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम है। ये पार्टियों के पास जनाधार है, क्योंकि बिहार के जनगणना को ही अगर मान ले तो 90% आबादी देश में दलित पिछड़े आदिवासी किसानों की है, तो पार्टी तो यह बड़ी हुई ना, वो पार्टी पैसे वालों की पार्टी है। लेकिन मीडिया क्या बेईमानी करता है? मैं मीडिया का छात्र हूं, तो मीडिया से जोर से बता रहा हूं कि खेल कैसे किया गया है, और ताकि ये सारी बातें आप लोग देश को बताइए। मीडिया ने क्या खबर फैला दिया? कांशीराम साहब दलित नेता, और अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय नेता, सोनेलाल पटेल पिछड़ों के नेता, और मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय नेता। और ये कैसे हो गया भाई? तो आपको जाति बनाई ही गई थी शोषण करने के लिए, हमारे नेताओं को भी जातियों में बांट दिया। और आज भी हमारी विडंबना है कि हम अपने जाति का नेता देख रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा था तुम एससी एसटी ओबीसी हो, जातियों का समूह हो। हमें आज भी ये जाति में तोड़कर हर जाति का एक नेता खड़ा कर रहा है, और हम अपने जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं। और उसमें भी ये लोग क्या कर रहा है, माननीय कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव को लड़ाया गया, और इन दोनों को फिर बाद में फेंक दिया गया, और आज वह सत्ता किसकी आपको पता है। बिहार में लालू यादव और रामविलास पासवान को लड़ाया गया, और उसके बाद नीतीश जी आए बीजेपी के साथ, अब उस नीतीश जी को भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। लेकिन मनुवादी मीडिया को देखिए, नीतीश जी तो 2 बार आरजेडी में भी आए, और 2-3 बार बीजेपी में भी गए, सारा गाली नीतीश कुमार को, बीजेपी को नहीं।
टीवी अखबार वाला हम सब नीतीश से नाराज है, लेकिन गाली किसको पड़ रही है? पिछड़ा को। अरे बीजेपी ने मिलाया तभी तो गए। तो ये खेल समझिए कि किसी कीमत पर गठबंधन कर ले। इस देश में 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई है तो आप लोगों को पता है कितने कांग्रेसी अपर जनरल कैटेगरी के नेता बीजेपी में चले गए, जानते हैं आप लोग? किसी को मीडिया ने गाली दिया? उनका जाना क्या है? सपा से नहीं गए, बसपा से नहीं गए, कांग्रेस से नहीं गए। और नीतीश कुमार ने जो पाला बदला है उसमें भी जो सवर्ण नेता है उन्होंने उनको चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? क्योंकि ऐतिहासिक काम हो रहा था, जाति जनगणना हो रही थी, 65% रिजर्वेशन हो गया था। तो सब पार्टी के जनरल कैटेगरी के नेताओं ने मिलकर कहा इस गठबंधन को तो तोड़ना होगा भाई, नहीं तो 2024 में राजनीति पलट देगा। जाति जनगणना मुद्दा बन रहा था, दलित पिछड़ों का मुद्दा बन रहा था, और इसमें राहुल गांधी का भी दोष है। तो सवाल यह है कि इस देश में सारा चोर, अपराधी, क्रिमिनल सब दलित पिछड़ा आदिवासी है। किसकी नजरों में? मीडिया की नजरों में। इसलिए आप लोग टीवी अखबार का बायकॉट कीजिए, वो आपके हितों के खिलाफ है और वो आपके खिलाफ हमेशा बोलेगा। आप मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए तो भी वो आपके खिलाफ है, आप राष्ट्रपति बन जाइए तो भी वो आपके खिलाफ है। कहने का मतलब ये है कि जिसने गाय पाला है दूध वही खाएगा। तो बहुजन समाज को टीवी अखबार देखना बंद कर देना चाहिए। अब सवाल है कि कौन कह रहा था कि राजनीति में अपराधीकरण हुआ है? यही टीवी अखबार वाला। जबकि राजनीति में पैसा करण हुआ, क्या गरीब चुनाव लड़ सकता है? क्या ये लाइन कभी आपने टीवी अखबार में सुना? ये तमाम सवर्ण पत्रकारों को कहते सुना कि राजनीति में पैसा का खेल हो गया है, आज दलित पिछड़ा आदिवासी पार्टी नहीं बना सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि पैसा का खेल हो गया है। उससे भी बड़ा विडंबना देखिए, 412 सीट जीत के राजीव गांधी आया था, मंडल कमीशन के खिलाफ उसने घंटों भाषण दिया, और जब मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल से बहुजन समाज को जगा दिया तो राजीव गांधी ईवीएम लेकर आया और वाजपेयी ने उसको लागू कर दिया। और जब बहुजन समाज बाप मान्यवर साहब ने नारा दिया कि 100 में 90 वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट से लेंगे CMPM और आरक्षण से लेंगे SPDM, तब इस देश में ईवीएम आया। और सोचिए कांग्रेस 1 की सरकार थी, ओबीसी को रिजर्वेशन अर्जुन सिंह ने दिया, 3 बड़े ब्राह्मण नेता थे उसमें, मैं नाम लेकर बोलता हूं, कपिल सिब्बल आज भी है, चिदंबरम, प्रणब मुखर्जी, जाति जनगणना हो चुका था उसके आंकड़े नहीं आने दिए। अरे मोदी जी तो अभी नया नया है, इनके बाप बाप तो गिनाऊंगा, पहले पिछला का तो गिन लीजिए जिसने 60 साल यहां राज किया है। इस देश में ये सारे पाप कांग्रेस के हैं, वो जाति देखकर कार्रवाई करती थी। राहुल गांधी, आज लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते तो किसने मिल पा रहा था? राहुल गांधी ने। ये गांव में ना एगो बाबा जी होता है, पंच, दो दलित पिछड़ा आदिवासी लड़ेगा और दोनों भाई को फैसला के नाम पर जमीन बिकवा देगा, यही ये लोग है। कभी दलित कभी द्रम, मैं फिर कह रहा हूं बहुजन समाज को चुन चुन कर अपने समाज के लोगों को बोले आपको जातिवादी अब बनना पड़ेगा, दलित पिछड़े आदिवासियों को किसी कीमत पर सवर्ण लीडरशिप को वोट नहीं करना चाहिए। मायावती किसी के साथ गठबंधन में रहेंगी वो सोशल जस्टिस के खिलाफ नहीं जाएंगी, लालू यादव किसी के साथ गठबंधन में रहेगा अपनी सरकार रहेगी वो सोशल जस्टिस के साथ नहीं जाएगा, नीतीश कुमार कुछ भी कर ले सोशल जस्टिस के खिलाफ नहीं जाएगा, रामविलास पासवान सोशल जस्टिस के खिलाफ नहीं गए, वो भले बीजेपी के गठबंधन में थे लेकिन जब SC/ST सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया तो वही रामविलास पासवान ने डंके की चोट पर कहा कि पूरा से बाहर कीजिए, बहुजन समाज के लिए बहुजन नेताओं ने किया है। और एक और बात, माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं, इस देश में राजनीति के रसायन शास्त्री, इस देश में आज जो बीजेपी राजनीति कर रही है वो मान्यवर साहब का फॉर्मूला था। और सोचिए मान्यवर साहब ने कहा है मजबूत सरकार नहीं चाहिए,
मजबूर सरकार चाहिए, गठबंधन की सरकार चाहिए। और आज बहुजन समाज की ताकत का अंदाजा लगाइए और सोशल मीडिया का, अगर बीजेपी के कुछ मनुवादी इस में बैठे हुए हैं, सरकार बीजेपी के तो बीजेपी को कहूंगा, कुछ मनुवादी बैठे हुए यूजीसी में, यूजीसी के एक मनुवादी ने अभी कानून बनाने वाला था, नोटिफिकेशन लाने वाला था कि दलित पिछड़ा आदिवासी का सीट जो है वो डी रिजर्व कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर खबर चली, जांच बैठ गई, क्योंकि आपकी जागरूकता, सोशल मीडिया का कमाल है ये। अगर यही कपिल सिब्बल होता तो ये जांच होता और मैं ये बदला जाता। कपिल सिब्बल के पाप गिनाओ, यूपीएससी का पैटर्न बदल दिया, नीट का पैटर्न बदल दिया, और जो जो पाप है कांग्रेस के उसको बीजेपी आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो भी जिनकी पार्टी है, ये भी उनकी पार्टी है। तो बहुजन समाज के लोगों को, हम सब मेहनत कश लोग हैं, हमको ये काम करना है, अपना जीव लंबा करना है, मुंह खोलना है। और हमारे जो गुरुवंश थे चपर, सम्राट अशोक के राज में चपर में सारे शिलालेख लिखे थे, इसलिए हिंदी पट्टी में कहावत है कि बहुत चपर चपर करता है। आपको चपर चपर करना है, बोलना है, खूब बोलना है, वोट बोलना है, बार बार बोलना है। और जो समाज बोलेगा नहीं, वो अपने कंधों पर लाश उठाएगा, अपना हक अधिकार चला जाएगा। हम सब डरे सहमे रहते हैं, हमारा डर मानसिक है। अरे 100 में 90 हम हैं, हम क्यों डरेंगे? हमने किसी का कर्जा खा रखा है। हम इस देश को बनाए हैं, सड़कें हम बनाते हैं, नदी नाला हम बनाते हैं, पेड़ हम लगाते हैं, अन्न हम उपजाते हैं, हम क्यों डरेंगे? हमने कोई चोरी की है? हमें बदनाम किया जाता है टीवी अखबार के दम पर। और जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने बोलना सीख लिया, आंख में आंख डालकर बोलना सीख लिया, उस दिन बहुजन समाज की किस्मत बदलेगी। और एक बात सोचिए, हम लोगों को सबको रोज बोलना है, 3 बार 4 बार। हमें धर्म की राजनीति से न लेना है न देना है। हमारे लिए स्कूल, अस्पताल, हमारे लिए नौकरी, बिजनेस, शिक्षा, पॉलिसी जो बनाएगा हम उसको वोट करेंगे। हमारे लिए ये जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। बहुत विकट समय है, हम जितना जागरूक हो रहे थे, जितना एकजुट हो रहे थे, इसीलिए एक बेईमानों ने ईवीएम लाया, और ईवीएम हमारे हक अधिकार के खिलाफ है। ईवीएम के खिलाफ कल भी बड़ा आंदोलन है। बहुजन समाज के लोगों को, आप लोग कहते हैं ना, नेता एकजुट हो, एकजुट हो, अच्छी बात है अगर एकजुट हो जाए तो, लेकिन अगर एकजुट नहीं होते हैं तो बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा, और हमें सवर्ण समाज से सीखना पड़ेगा। आज सवर्ण समाज, जनरल कैटेगरी के लोग बीजेपी के अलावा किसी को वोट देते हैं क्या? कांग्रेस को वोट देते हैं? वो भी तो सवर्णों की पार्टी है। ममता बनर्जी को देता है, वो भी तो सवर्णों की पार्टी है। नवीन पटनायक को देता है, वो भी तो सवर्णों की पार्टी है। नहीं देता है, वो किसको देता है? जो सत्ता में है या सत्ता में जा सकता है। तो इतना दिमाग हमको भी लगाना पड़ेगा। और बहुजन समाज के नेता अगर एकजुट नहीं होते हैं तो हमें देख देख कर बहुजन दलों को वोट करना पड़ेगा जो चुनाव जीतने वाला, और नहीं करिएगा तो सिर्फ अपनी गलती का ठीक दूसरे पर रखो। और अंतिम बात, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, हमारा बाप ये लड़ाई नहीं लड़ सकता है। बाबा साहब इसलिए लड़े क्योंकि उस समय अंग्रेजों के दौर में भी वो PhD करके आए थे। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले इसलिए लड़ी क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। साहू महाराज इसलिए लड़े कि वो राजा थे। संतश्रोमणि रविदास महाराज इसलिए लड़े, वो भी पढ़े लिखे थे। ये लड़ाई तभी समझ में आती है जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं। ये लड़ाई तभी समझ में आती है जब आप SPDM बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, अमीर बनते हैं। इस देश में बहुजनों को कोई मारना नहीं चाहता है, आपको मजदूर बनाए रखना चाहता है। आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, उनका नौकर बनिए तो आपको बाबू सोना कहेंगे, घर में खाना खिलाएंगे, कहेंगे हम तो अपने को आपको बहुत मानते हैं सर। आपको लंगर खिलाने से, खाना खिलाने से, दान देने से न्याय नहीं मिलता है, न्याय मिलता है अधिकार से, बराबरी का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, नौकरी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन सब में अधिकार चाहिए।
और इसके लिए हम लोगों की जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी में है, बिजनेस में है, जो इस समाज की राजनीति को समझते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई है और उनको आना होगा, क्योंकि अब जो जातिवाद है वो बदल गया है। जातिवाद का परिभाषा सुनिए, पहले गांव में जातिवाद होता था, क्योंकि हमारे लोग गांव में रहते थे, शहर में थे नहीं। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जो मालदार नौकरी है, जो मालदार काम है, जो इज्जतदार नौकरी है, जो इज्जत वाला काम है, नाम वाला काम है, शोहरत वाला काम है, उसके हमारे लोग नहीं थे। हमारे लोग जब से शहर में आए हैं तब से अब शहर में जातिवाद है। अब पढ़े लिखे लोगों को अंगूठा काटा जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों को जलील किया जा रहा है। नौकरी में बहुजन समाज का आदमी है, कलेजा पर हाथ रख के कहे कि वो सम्मान से नौकरी कर रहा है, वो नौकरी पा लेता है आरक्षण से, लेकिन पूरी जिंदगी उसको जाति के नाम पर परेशान किया जाता है, जांच बैठा दी जाती है। और गांव में क्या हो रहा है, बड़ी विडंबना है। गांव में जो लोग जातिवाद कर रहा है वो बहुत ही बेवकूफ है, वो एससी एक्ट में जेल भी जा रहा है। और जो गांव में जातिवाद कर रहा है उसके बच्चों के साथ शहरों में जातिवाद हो रहा है। ये बात बताना पड़ेगा किसान कम्युनिटी को, जाट समाज को, पटेल समाज को, मराठा समाज को, जाट गुर्जर समाज को, कि तुम कितने जज हो, तुम कितने कलेक्टर हो, कितने आईएएस हो, कितने आईपीएस हो, तुम मेहनत का लोग हो, तुम भी शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हो, बात करनी पड़ेगी। आज शेड्यूल कास्ट की ताकत देखिए, वो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनके तीन तीन जज सुप्रीम कोर्ट में है। आज सबको नतमस्तक होना पड़ रहा है, क्योंकि वो समाज जागरूक है, लड़ रहा है। अब जिम्मेदारी किसान कमेरा और ओबीसी के लोगों की है। आप कहाँ हैं? आप खेल से बाहर हैं, और खेल से बाहर करने वाला कौन है? एससी एसटी नहीं है, यही मनुवादी लोग। तो अब जो जातिवाद है वो शहरों में है, पढ़े लिखे लोगों को साथ है। इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग किसी तरह से सिस्टम में आ गए हैं तो हमें अपनी नस्लों के लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो आप तो निकल गए गलती से, आपका बच्चा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जाति जाति नहीं है। इसलिए अगर किसी को लगता है ना कि हम नौकरी में आ गए, जाति छुपा लेंगे, बाबू भैया कह लेंगे, बड़का धागा बांध लेंगे, बड़का टिक्का कर लेंगे, मथा चाटा देख लेंगे और बच जाएंगे, तो तुम बेवकूफ हो। अरे जाति बनाई इसलिए गई थी कि तुम लाचार बेवसन मजदूर रहो, तुम माल भी कमाओगे और बच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए लड़ाई उन लोगों को लड़नी पड़ेगी जो संपन्न हुए हैं, जो सिस्टम में आए हैं, जिनका शहरीकरण हुआ है, जो सीएमपीएम बनना है या बनना चाहते हैं। आज किस पर शिकंजा है? हेमंत सोरेन पर ना, क्यों? क्योंकि वो सीएम है। आज किस पर शिकंजा है? लालू यादव पर ना, क्यों? क्योंकि उसने रोटी तवा का जो रोटी जल रहा था 30 साल से, बहुजनों की सत्ता है, चाहे किसी का गठबंधन में रहे। समझना पड़ेगा, जातिवाद बहुत महीन हो गया है। मूछ रखने पर, बकरी पालने पर, बेर तोड़ने पर, ये वाला जातिवाद बेवकूफ लोग कर रहा है और वो जेल जा रहा है। अब जातिवाद शहरों में है, पावर सेंटर्स में है, मीडिया में, जुडिशियरी में, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में, अब जातिवाद स्पोर्ट्स में, सिनेमा में है। और इसका एक ही काट है कि इस देश के जो पढ़ा लिखा बहुजन समाज है, जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, आपने अगर रोज आप रील्स देखते होंगे, नेशनल दस्तक भी देखते होंगे, एक गुजारिश है बहुजन समाज के मुद्दे पर, आप दो लाइन संवैधानिक दायरे में रहकर लिखना शुरू कर दीजिए, मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएंगे। लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई संविधान से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई सोशल मीडिया से लड़ी जाएगी, तभी आप लड़ाई में फंसा पाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, बहुजन समाज में जन्म लिए हैं, किसान कमेरा वर्ग में है, दलित पिछड़ा आदिवासी जाट गुर्जर पटेल मराठा है, तो आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपकी जाति इसलिए बनाई गई थी कि आप सेवा करें, आप शुद्ध रहें और वो मलाई खाए। अगर आप भी मलाई में हिस्सेदारी चाहते हैं तो जीभ लंबा कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। और एक लास्ट बात, जो बुद्ध के रास्ते पर चलेगा उसको मान सम्मान, इज्जत, धन और स्वास्थ्य भी मिलेगा। ये लड़ाई किसी मोक्ष की नहीं है, ये लड़ाई किसी जन्म सुधारने की नहीं है, ये लड़ाई किसी पाप पुण्य का नहीं है,
ये लड़ाई इसी जीवन में, कबीर ने कहा है जो जीवन पैदा हुए हैं इसी में मान सम्मान से जीने की लड़ाई है, कोई अगला पिछला जन्म नहीं होता है, ये बुद्ध कह के गए हैं। तो अगर मान सम्मान से जीना चाहते हैं तो धम्म का रास्ता, फुले पेरियार अम्बेडकर का रास्ता अपनाइए, आप अमीर भी होंगे, सम्मान से जिएंगे और मनुवादी आपसे डरेंगे भी। कभी भी आप सोचेंगे ना कि इनकी जी हुजूरी करके, इनके आगे पीछे करके, इनकी हाँ में हाँ मिलाकर आप बच जाएंगे तो आप गफलत में हैं, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है, वो आपकी जाति से इसलिए नफरत करता है कि आप सिस्टम में कैसे आ गए। आप आज गरीब मजदूर लाचार बेबस हो जाइए, उनको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आज के समय में जो हमारा हथियार है वो वोट का हथियार है और सोशल मीडिया है, और आप लोगों ने, इतनी लोगों ने जिम्मेदारी ली और रोज 5 लोगों को समझाएंगे हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, तब जाकर बहुजन समाज सत्ता में आएगा, और जो सत्ता में आएगा उसी का राज चलेगा, उसी का अधिकार बचेगा। जय भीम।